दोस्तों कि आप लोग भी फास्टैग की स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग अपनी स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये एक मेरे फ्रेंड ने स्मार्ट वॉच मंगाई थी और मैंने इस पर एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए ये ले लिया अपने फ्रेंड से। तो सबसे पहला दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट वॉच को एक बार चार्जिंग पे लगाना है, उसके बाद ये आपकी स्मार्ट वॉच जो है ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार चार्जिंग पे लगा चुका हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा स्मार्ट वॉच में। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आ रहा है। अब ये स्कैन करना है, स्कैन कहाँ करना है, कौन से ऐप में करना है, बहुत सारा कुछ मैं आपको मोबाइल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऐप आएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना, फास्ट ट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग अपने स्मार्टफोन के जो ऐप है वो ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है स्किप टू साइन इन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्किप टू साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेबल लिख कर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोग स्किप दिस स्टेप कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे नंबर पर OTP आ चुका है, OTP आया है 2829। अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे अपने OTP को। OTP डालने के बाद आपको सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तीन परमिशंस आ रही हैं अलाउ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको अलाउ कर देंगे, ऐसे करके इसको भी अलाउ कर देंगे अलाउ और इसको भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया। ठीक है, अब ये तीनों परमिशन अलाउ करने के बाद हमारा जो है QR कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अपनी स्मार्ट वॉच को ऐसे दबाएंगे बटन से और यहाँ पे जो QR कोड आ रहा है वो अपने फोन से स्कैन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्कैन कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपने स्कैन QR कोड को स्कैन कर लिया। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और ये वाइब्रेट होने लगेगी, आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है, हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कॉल्स वगैरह अलाउ करनी है अपने फ़ोन में, जैसे यहाँ पे कॉल आती है, कॉल इधर भी आ जाए, तो आपको ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा अपने मोबाइल फ़ोन में, ये देख सकते हैं ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। आपको क्या करना है, पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको पेयर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग पेयर पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपकी जो कॉल्स हैं वो भी सारी अब यहाँ आने लगेंगी अपने फ़ोन में। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आपकी जो स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच है वो अब आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग अपनी फास्टैग की स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।